उससे जुड़े सह व्यवसाय, सफल किसानों की कहानियां, लाभकारी और तकनीकी जानकारियां हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाते हैं, जो आपकी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। कृषि दर्पण में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी खेती को या उससे जुड़े कामों को और बेहतर करके इससे ज्यादा मुनाफा ले सकें। विदेशी नौकरी छोड़ युवा ने किया एक अलग प्रयास, अपनी इनकम बढ़ाकर खेती में बनाई जगह खास। कृषि दर्पण। खेती के साथ पशुपालन रोजगार को बढ़ाने का अच्छा साधन है। इसमें डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग और शिप फार्मिंग ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पिग फार्मिंग को उतनी अहमियत नहीं दी जाती, जबकि पिग फार्मिंग में इन सभी व्यवसायों से कम लागत आती है और लाभ ज्यादा होता है। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पिग फार्मर से जिन्होंने सिंगापुर से लौटने के बाद पिग फार्मिंग शुरू की और आज उससे लाखों की कमाई कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे पिग फार्मिंग की तकनीक। सुअर प्रतिनिधित्व करते हैं समृद्धि का, उत्साह से लबरेज मनदीप सिंह कहते हैं, आज के समय में खेती में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें 50-50 का लाभ हो। थर्ड पार्ट वाले इस पंजाबी किसान के लिए सुअर पालन जिंदगी में आगे बढ़ने का नया रास्ता है। मनदीप सिंह सफल सुअर पालन के जरिए सालाना करीब 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो उनकी जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर परंपरागत खेती से कभी संभव नहीं होता। रिटर्न ने भी बहुत बढ़िया, इस बिजनेस में जो रिटर्न है बढ़िया है। ये मान के चलो कि 50-50 का लाभ और लागत, अभी खेती में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लागत लाभ का अनुपात 50-50 का हो। मनदीप सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल सिंगापुर जैसे देश में बिताए हैं, लेकिन 12 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद उन्हें पैसे कमाने के लिए किसी बिजनेस की दरकार थी और उन्हें ऐसे समय में पिग फार्मिंग सबसे बेहतर बिजनेस लगा। बीते 12 सालों में मैं सिंगापुर में था, लेकिन वहाँ की पब्लिक रिलेशन टीम ने मुझे भारत जाने के लिए बोला। फिर मैं भारत लौट आया। मैंने बिजनेस करने की सोची जिसमें मुझे पिग फार्मिंग सबसे सुटेबल लगा। मैंने जो भी कमाया था इसमें लगा दिया। बहुत बढ़िया रिवार्ड भी मिल रहा है। मनदीप सिंह को पिग फार्मिंग बिजनेस शुरू किए अभी महज 1 साल ही हुआ है। वो बताते हैं कि उन्हें शेड निर्माण से लेकर सुकर के बच्चों को खरीदने तक में कुल 8 से 9 लाख रुपए की लागत आई है। अभी तक उन्होंने इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए बेच दिए हैं, बाकी आगे वो 8 से 9 लाख के पिग्स अभी और बेचेंगे। मैं 8 लाख तो मैंने इसमें 8 से 9 लाख की लागत लगाई है। अभी मेरे पास 8 से 9 लाख के पिग्स तैयार हैं, बाकी मैंने 1.5 से 2 लाख के पिग्स बेच भी दिए हैं। दूसरे धंधे के मुकाबले पिग फार्मिंग शुरू करने का अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत सरल है। एक पूरी तरह व्यस्त पिग 8,000 में खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को एक नर और मादा पिग से शुरू कर सकता है। एक मादा पिग से एक बार में आधा दर्जन के करीब बच्चे पैदा होते हैं। एक छोटा बच्चा करीब 2,500 से 3,000 रुपए में बिक जाता है और उससे थोड़ा और बड़ा पिग 7,000 से 8,000 में बिक जाता है। शुरुआत में पानी की आपूर्ति से जुड़े एक छोटे से शेड की जरूरत होती है, जिसके लिए सरकार मोटी सब्सिडी देती है। बाद में इस शेड को और विस्तार किया जा सकता है। ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पंजाब सरकार वालों गोट और पिग फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसे अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं। सूर पालन ते बकरी पालन वर्गे नवे धंधे नु उत्साहित किया जा रहा है। सरकार वालों सूर पालन लई 20+4 सरकार के द्वारा पिग फार्मिंग के लिए अनुदान की स्कीम है, जिसमें किसानों को 8 लाख का लोन दिया जाता है, जिस पर 25% का अनुदान है, जिसके अंदर हमें 5 साल के भीतर कर जमा करना होता है। ग्रेस पीरियड है जिन्हों अपन कर्जा शुरू होने तो 1 साल दे विच विच अगली किश्त लगानी होती है। आइए अब जानते हैं पिग फार्मिंग की तकनीक के बारे में। पिग फार्मिंग में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। सूकरों के लिए घर बनाते समय
सर्दी गर्मी वर्षा नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सूकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए ताकि सूकर बाड़े में घूम फिर सके। बाड़े में कुछ छायादार पेड़ भी होने चाहिए जिसमें अधिक गर्मी के मौसम में सूकर इनकी छाया में आराम कर सके। सूकरों के घर की छत ढलवा होनी चाहिए और घर में रोशनी पानी का इंतजाम होना चाहिए। अधिकतर ऐसा खाना जिसको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, पिक फार्मिंग के जरिए इस खाने को पोषित मांस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उचित दाना, घर के बचे झूठे और भोजन के अनुपयोगी बचे पदार्थ या अन्य सस्ते आहार के साधन पर लाभकारी ढंग से पाला जा सकता है, जिसमें होटलों या किसी खास आयोजन का बचा हुआ खाना शामिल है। एक बड़ा पिक 3 किलो के लगभग दाना खाता है। दाना मिश्रण को सुबह और अपराहन में 2 बराबर हिस्से में बांट कर खिलाएं। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन सफेद यॉर्कशायर, लैंडरेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूरोक, इंडिजीनियन और घुंघरू अधिक प्रचलित हैं। वैसे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में सूकर के मांस की काफी अच्छी मांग है। हालांकि क्षेत्रीय मांग के अलावा विदेशों में भारत से इसके मांग का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अगर आप भी पिक फार्मिंग चाहते हैं, तो पहले मार्केटिंग के पहलू को देखें, उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस बिजनेस की शुरुआत करें। अगर आपने इन सारी बातों को ध्यान में रखा तो आप पिक फार्मिंग से कम लागत में लाखों की आय कमा सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। रंग बिरंगे ताजा ताजा फल, इन्हीं फलों को स्वादिष्ट के साथ साथ सेहतमंद बनाने के लिए सरकार का उद्यानिकी विभाग कार्बाइड की जगह एथिलीन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है और अपनी इस कोशिश में युवा उद्यमियों को जोड़कर आम आदमी को सेहत का तोहफा दे रहा है। ताजा ताजा फल, उसकी ललचा देने वाली खुशबू और जुबां पर चढ़ जाने वाला स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। फलों का राजा आम हो, ताकत देने वाला केला हो, सेहतकारी पपीता हो या फिर आपको हेल्दी रखने वाले सेब, संतरा, अनानास या अंगूर, ये सब हमारे शरीर को सेहतमंद रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। पुराने जमाने में तो लोग फल फूल खाकर ही जिंदगी बिता देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ इंसानों की जिंदगी बदली और फलों का स्वाद और गुण भी। कभी जो लोग पेड़ पर पका आम खाते थे, आज वो स्टोरेज में केमिकल की मदद से पका आम खाने को मजबूर हैं। केले और पपीते को पकाने में भी दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे उनके स्वाद और सेहतकारी गुणों पर असर पड़ा है। ऐसा ही एक केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फलों को पकाने में बड़ी ही तेजी से इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है और ये वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कार्बाइड गैस कहते हैं। ये गैस फलों को पकाने में एथिलीन की तरह ही काम करती है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 54AA के तहत कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में कैंसरकारी तत्व होते हैं, जिससे नाड़ी तंत्र प्रभावित हो सकता है और सिर दर्द, चक्कर आना, दिमागी विकार, ज्यादा नींद आना, मानसिक उलझन, याददाश्त कम होना, दिमागी सूजन और मिर्गी की शिकायत भी हो सकती है। बिजनेस पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार का हानिकारक नहीं है और ये पूरा 100% हाइजीनिक है, खाने में भी हाइजीनिक रहता है। कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर असर की चिंता को देखते हुए सरकार अब इसकी जगह एथिलीन के प्रयोग के नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए सतना के युवा उद्यानिकी विभाग के सहयोग से एथिलीन से फलों को पकाने के लिए राइपनिंग चैम्बर बनाकर न केवल स्वरोजगार करने लगे हैं, बल्कि अच्छी खासी रकम कमाने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। हॉर्टिकल्चर, मैंने हॉर्टिकल्चर से
कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आजकल रैपिंग चैम्बर भी आ रहे हैं जो पब्लिक के वेलफेयर होते हैं, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिजनेस तो बहुत अच्छा ही लगा, इसके लिए मैंने ये बिजनेस अभी डाला है और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। फलों को पकाने का सबसे सेफ तरीका है इथिलीन गैस, ये नेचुरल होती है जिसे फल खुद भी बनाते हैं। दुनिया भर में फल पकाने के लिए आज इसी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर एथिलीन गैस कार्बाइड से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है और इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल चैम्बर्स बनाकर उनमें खास तापमान बनाए रखना पड़ता है, इसलिए किसान या फिर व्यापारी इसे अपनाने से बचते हैं, जबकि यही सही तरीका है फलों को पकाने का। अब इथिलीन गैस चैम्बर में एक सुरक्षित दबाव तक भर जाए, इसके बाद फलों को चैम्बर में रखा जाना चाहिए। ये सभी फलों को अप्राकृतिक रूप से पकाने की सबसे सुरक्षित विधि है, लेकिन इसमें भी इथिलीन की परमिसिबल लिमिट यानी इसकी सीमा 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन के अनुपात में होनी चाहिए, जिसमें आम के फल, केले और संतरे, मौसमी सभी तरह के फल पकाए जाते हैं। इसमें बिना कार्बाइड के फलों को पकाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। उद्यानिकी विभाग की मदद से सतना में इथिलीन गैस के इस्तेमाल के लिए नियंत्रित तापमान वाले चैम्बर बनाए गए हैं, जिनमें पकाए जाने वाले फलों को रखकर इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारियों को रैपनिंग चैम्बर निर्माण के लिए बागवानी बोर्ड की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार की तरफ से युवाओं के प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसके तहत 50 लाख के प्रोजेक्ट में सरकार की तरफ से किसानों को 2 किस्तों में 17.5 लाख की सब्सिडी भी दी जा रही है। हमारे सतना जिले में पूर्व में फलों का व्यापार होता है जो कार्बाइड के द्वारा पके हुए केला, पपीता, आम मिलता था। इसको अवॉइड करने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई है, जिससे राइपनिंग चैम्बर बनता है। 50 लाख की यूनिट का यह एक चैम्बर होता है, जिसमें सरकार द्वारा 17.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से होने वाले इस खतरे को भांपते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सरकार ने इथिलीन के इस्तेमाल को लेकर फल व्यापारियों को जागरूक करने की कोशिश की है। इसके जरिए एक पंथ दो काज हो रहे हैं, एक ओर व्यापारी उद्यानिकी विभाग की मदद से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इथिलीन के इस्तेमाल से फल खाने वाले आम आदमी की सेहत भी सुरक्षित हो रही है। कृषि दर्पण, जी मीडिया। किसान को कभी सरकार की नीतियां मारती हैं तो कभी प्रकृति। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कीट फसलों को बर्बाद कर देते हैं। खेतों में खड़ी सफेद सोने की फसल यानी कपास के कीटों से दो चार होना ही पड़ता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं, जिससे परेशान किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर समय रहते इन कीटों को पहचान कर रोकथाम के उपाय कर लिए जाएं तो इन हानिकारक कीटों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कपास की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में इस रिपोर्ट में। आजकल फसल सुरक्षा को लेकर हर किसान परेशान है, वहीं देश में सबसे ज्यादा कपास की खेती करने वाले किसान कीटों से होने वाली क्षति के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाते हैं। इसका ताजा उदाहरण बीते साल कपास की देसी किस्मों के साथ बीटी कॉटन में हुई भारी तबाही है। जबकि सीड कंपनियों के द्वारा दावा किया जाता है कि बीटी कॉटन में कीट नहीं लगते हैं और ये सामान्य कपास की फसल से 2.5 गुना ज्यादा पैदावार देती है, लेकिन बीज बनाने वाली विदेशी कंपनियों के सारे दावे धरे के धरे रह गए और गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी ने कपास पर जमकर कहर बरपाया और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस साल सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास की फसल देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बोई गई है, इस आशा में कि उनको इस साल कपास से अच्छी उपज मिलेगी, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल सके। लेकिन इसके लिए हानिकारक कीटों से कपास को बचाने के लिए शुरू से ही आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। जून से लेकर सितंबर के महीने में कपास की फसल पर रस चूसक कीटों का, जैसे हरा तेला यानी जैसीड और माहू यानी एफिड का प्रकोप ज्यादा होता है। हरा तेला के शिशु और वयस्क हरे पीले रंग के होते हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर रह रहकर रस चूसते हैं,
जैसे पत्तियां गहरी लाल होकर सिकुड़ जाती हैं, वहीं दूसरे रस चूसा कीट एफिड के शिशु और वयस्क भी हरे पीले रंग के ही होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में फसल की पत्तियों पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिसके चलते फसल को भारी नुकसान होता है। पीला कीट जो होता है वो काले भूरे रंग का होता है और इसके पंख जो है वो झालरनुमा होते हैं। ये भी रसपान करने वाला एक कीट है। इसके अलावा माहो कीट का प्रकोप होता है कपास की फसल में। माहो का जहाँ तक प्रश्न है, माहो जो है वो भी आकार में छोटे होते हैं और साधारण तौर पर पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये काले भूरे रंग के ये होते हैं। इन कीटों पर नियंत्रण के लिए पहले पीले प्रपंच का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर कीटों की रोकथाम ना हो तो नीम के तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। इसके अलावा 3 मिलीलीटर इमीडा क्लोप्रिड दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से भी इसकी रोकथाम हो जाती है। सर्वप्रथम किसान भाई पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच जो है वो खेतों में आराम से ही स्थापित कर ले। पीले रंग के प्रपंच उन्हें बाजार में मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो वो अपने ग्रामीण स्तर पर इसे जुटा सकते हैं। लोहे का टीन का एक पतला टुकड़ा लेकर के उस पर पीला पेंट कर दें और उसके बाद उसमें कोई चिपचिपा पदार्थ जैसे ग्रीस है या अरंडी का तेल जो ज़्यादा चिपचिपाहट वाला होता है उसे उसका लेपन कर दें और इसे पौधों की सतह से 1 फीट अधिक ऊंचाई लेते हुए इन्हें स्थापित कर दें। तो ये जगह जगह लगे रहेंगे तो जो रस चूसने वाले कीड़े सक्रिय हैं वो विचरण करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर और इन बन चिपक जाएंगे। आमतौर पर ये रुई से ढका हुआ भूरे रंग का कीट होता है जो फसल के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। आज की परिस्थिति में मिलीबग कपास की मुख्य तनों पर पाई जाती है। जुलाई से अगस्त के बीच वातावरण में ज्यादा तापमान होने के कारण इसका प्रकोप बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कीट के शरीर पर रुई जैसा आवरण होता है जिससे इस पर किसी भी कीटनाशक का असर नहीं होता और कीट के नियंत्रण में समय लग जाता है। इसके अलावा मिलीबग कीट की भी समस्या पिछले वर्षों में दिखाई दी कुछ क्षेत्रों में और मिलीबग जो है ये फफूंद के समान दिखाई देता है। सफ़ेद रंग का होता है, दूधिया सफ़ेद रंग का, और ये भी अत्यंत सुस्त प्रकृति का कीट होता है। मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित खरपतवार जैसे कि कांग्रेस घास या कपास की सांठी को जलाकर नष्ट करते हैं। फसल का हमेशा निरीक्षण करते रहें। अगर कीट का प्रकोप शुरुआती दौर में हो तो क्लोरोपाइरीफॉस 2% 10 किलो को प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन और ग्रसित पौधे पर डालें। अधिक प्रकोप होने पर बुप्रोफेजिन 25 इजी दवा 30 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। ये कीट छोटा सा तेज उड़ने वाला सफेद पंख वाला होता है। इसके शिशु और वयस्क पत्तियों के निचली सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं। इससे ग्रसित पौधे पीले दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। दूसरी जो कीट समस्या कपास की फसल में आती है वो है सफेद मक्खी की। दूधिया सफेद रंग की ये मक्खी जो है ये भी अत्यंत सक्रिय होती है और पौधों से रस पान करके नुकसान पहुंचाती है। अगर कपास की फसल में प्रति पत्ता सफेद मक्खी कीट 4 से 6 के आसपास हो या इससे अधिक दिखाई दें, तो फसल में पहला छिड़काव नीम आधारित कीटनाशक दवाओं का करना चाहिए। इसके लिए नीम तेल 1 लीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। अगर फिर भी खेत में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखे तो इनके नियंत्रण के लिए 20 ग्राम डायफेंथ्री यूरान 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। सफेद मक्खी यदि अधिक दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में ट्राइजोफॉस का उपयोग करें और ट्राइजोफॉस से भी यदि सफेद मक्खी का कारगर नियंत्रण नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में डाइफेंथ्यूरान नाम की दवा उपयोग की जा सकती है। दुनिया भर में कपास के मुख्य हानिकारक कीटों में गुलाबी सुंडी का नाम आता है। गुलाबी सुंडी शुरुआती अवस्था में क्रीमी कलर की होती है लेकिन बाद में इनका रंग गुलाबी हो जाता है। ये सुंडियां कपास की फसल में डेंडुओं और फूलों पर हमला करती हैं।
सुंडियों से ग्रसित फूल पूरी तरह से नहीं खुलते। कपास के ये ग्रसित फूल बनावट में फिरकी या गुलाब के फूल जैसे हो जाते हैं। शुरुआती अवस्था में ये सुंडियां छोटे छोटे टिंडों में घुसकर कच्चे बीजों को खाती हैं। लाल मत्कुण है जो कीट की समस्या कपास की जब घेटे बनते हैं तब दिखाई देती है। ये घेटों पर समूह में दिखाई देता है, गुलाबी लाल रंग का ये कीट होता है। उसके कारण वो रसपान घेटों से करता है, इसलिए घेटों का विकास सही नहीं हो पाता है और घेटों में जो नुकसान है वो होता है। गुलाबी इल्ली का बचाव करने के लिए खेत को खरपतवार मुक्त और साफ सुथरा रखें। गुलाबी इल्ली का लार्वा सूखे या पूरी तरह से नहीं खुले डेंडुओं में और सिकुड़ी पत्तियों में छिपकर रहती हैं। इसीलिए मुरझाए हुए पौधे और सूखे या पूरी तरह नहीं खुले हुए डेंडुओं को नष्ट कर दें। हर साल नियमित रूप से गहरी जुताई करने से गुलाबी इल्ली के नियंत्रण करने में मदद मिलती है। गुलाबी इल्ली के प्रकोप से ग्रस्त कपास के बीजों को भी नष्ट कर दें, क्योंकि ऐसे बीजों में गुलाबी इल्लियां छिपकर बैठी रहती हैं। गुलाबी इल्ली के लिए भी किसान भाइयों को सतर्क आराम से ही रहने की आवश्यकता है। जैसे ही घेटों का निर्माण फसल में शुरू होता है, किसान भाई उस समय खेत में फेरोमोन प्रपंच जो हैं वो स्थापित कर दें। एक एकड़ में 4 प्रपंच उन्हें लगाने की आवश्यकता होगी। 10% से अधिक प्रकोप इस कीट का खेत में हो चुका है और ये स्थिति आपको संकेत देती है कि दवा का हम अब उपयोग करें। तो दवा उसमें सबसे पहले प्रोफेनोफास या थाइडियोकार नाम की दवा किसान भाइयों को उपयोग करने की हम अनुशंसा करते हैं। कीटनाशक दवाओं की दी गई अनुशंसित मात्रा का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निर्धारित मात्रा से अधिक या कम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कपास की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव कृषि जानकार की सलाह पर ही करना चाहिए। जो भी कीटनाशक दवा का प्रकोप कर रहे हैं तो चेंज करते रहें। जैसे कभी आप मोनोक्रोटोफास कर दिए हैं तो कभी इमिडाक्लोपिड कर दीजिए, तो कभी क्लोरोपाइरीफास दवा का कर दीजिए। तो चेंज करने से क्या होता है ना कि एक ही कीटनाशक पर कीट जो है चेंज करते रहेंगे तो उसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा और फसल का नियंत्रण भी बहुत अच्छा होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर कपास के हानिकारक कीटों का नियंत्रण करते हैं तो आपको क्वालिटी वाली कपास के बंपर उपज से अच्छी कमाई मिल सकती है। कृषि दर्पण, जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी।